जय जय भारत। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे, जिसे हम लोग वर्ण क्रम बोलते हैं, और वर्ण विक्षेपण के बारे में भी समझेंगे कि ये क्या होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक प्रिज्म। ये हो गया हमारा प्रिज्म। ये दिखने में एकदम ट्रायंगल जैसा होता है, एकदम त्रिभुज जैसा होता है दिखने में। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रिज्म, ठीक है। अब देख लीजिए, ऐसा ही होता है हमारा प्रिज्म। इसका काम क्या होता है, ये सूर्य के सफेद कलर को, यानी कि सूर्य के श्वेत प्रकाश किरणों को सात रंगों में विभाजित कर देता है। ये क्या करता है, ये व्हाइट कलर को सात रंगों में दिखा देता है, कि जो सफेद कलर होता है हमारा वो सात रंगों से मिलकर बनता है। इस चीज को ये दिखा देता है प्रिज्म। यहाँ से सूर्य के श्वेत प्रकाश को ले जाता है, यानी कि सूर्य की व्हाइट लाइट को ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे सात रंगों में विभाजित हो जाता है। ये क्या होता है, ये सात रंगों में यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसका यही काम होता है हमारा प्रिज्म का। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि इसके बारे में किसने बताया था कि जो हमारा सूर्य का सफेद रंग होता है वो सात रंगों से मिलकर बनता है, यानी जो व्हाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश होता है, वो सात रंगों से मिलकर बनता है। इसके बारे में आइजक न्यूटन ने हमें बताया था। ये किसने बताया था, आइजक न्यूटन ने बताया था। आइजक न्यूटन ने ऐसी बहुत सी थ्योरियां दी हैं, ऐसी बहुत सी थ्योरी दी हैं, जिसे कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्होंने ये क्या बताया है, उस चीज के बारे में वो कहना क्या चाहते हैं। उनकी थ्योरी को ऐसे ही अभी रख दिया गया है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता कि उन्होंने थ्योरी क्या दी है, ठीक है। उनको जब उस टाइम पे जब वो खोज किया करते थे, उस टाइम पे उन्हें लोग पागल बोला करते थे कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है, इस तरीके से उनको माना करते थे, क्योंकि वो इस तरीके से वो बात किया करते थे, ऐसा वो चीज बताया करते थे जिसे कि मतलब कि कोई विश्वास नहीं कर सकेगा। और अभी मैं अगर आपसे कहूंगा कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चांद का चक्कर लगाता है, आप विश्वास करोगे, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली ना बता दूं और ना दिखा दूंगा। मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा तो 5 से 10 हजार लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे। अगर मैं 2-4 बार प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, 5 से 10 हजार लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे। और विरोधी कितने खड़े हो जाएंगे, 1 करोड़ से ऊपर विरोधी खड़े हो जाएंगे, 5 करोड़ 7 करोड़ ऐसे विरोधी खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए और लोग से तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विरोधी बहुत ज्यादा खड़े हो जाएंगे इस चीज। तो ऐसा ही न्यूटन के समय में भी हुआ था। उन्होंने जब इस चीज के बारे में बताया था, ग्रेविटी के बारे में जब बताया था, तो उनके विरोधी बहुत लोग खड़े हो गए थे। उस समय महान वैज्ञानिक गैलीलियो भी उसी समय थे, गैलीलियो भी उनकी बात को नहीं मानते थे। तो उन्होंने इस चीज को क्या किया कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है, ये सात रंगों से मिलकर बनता है। न्यूटन ने क्या बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट होती है सात रंगों से मिलकर बनती है, 7 कलर इस चीज से मिलकर बनती है, सात रंगों से मिलकर बनती है। जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो सात रंगों से मिलकर बनती है। और सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का होता है, सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का होता है, सूर्य हमें पीला दिखाई देता है, नारंगी दिखाई देता है, ये रंगों के विचलन की वजह से दिखाई देता है। वरना आप 12 बजे से 3 बजे के बीच में देखिएगा सूर्य को, तो वो अपने रूप में दिखाई देगा, यानी कि एकदम व्हाइट दिखाई देगा हमारा सूरज। तो सूरज व्हाइट कलर का होता है। आप कभी भी किसी को नारंगी या पीला कलर मत बताइएगा, क्योंकि ये सब रंगों के विचलन की वजह से होता है, ठीक है। वरना सफेद रंग का होता है हमारा सूरज। अब यहाँ पे देखिए, इसी चीज को हम लोग समझेंगे। ये न्यूटन ने हमें बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो सात रंगों से मिलकर बनती है। इस चीज के बारे में उन्होंने बहुत खोज किया, तब जाके बहुत प्रैक्टिकली भी मतलब बहुत मेहनत की है, तब जाके ये हमारे सामने आया है यहाँ पे रिजल्ट। और इसको हम लोग अभी यहाँ पे एकदम आसानी से समझ जाएंगे। तो उन्होंने पहले एक लिया प्रिज्म, ये एकदम त्रिभुज जैसा दिखता है, आपको मैंने दिखाया था पहले, ये देखिए ये होता है हमारा प्रिज्म। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हम लोग भी लेते हैं अच्छे से, इसी पे नहीं करेंगे, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिया एक प्रिज्म, यहाँ से श्वेत प्रकाश आया सूर्य का, श्वेत प्रकाश में तो समझते हैं व्हाइट, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से आया श्वेत प्रकाश, यानी कि व्हाइट लाइट। अब ये क्या होगा, इसके आधार की ओर झुकता है, ये इसका आधार होता है ना, ये प्रिज्म का आधार हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये उसके आधार की ओर झुकेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने यहाँ पे 7 रंग कर दिया। और यहाँ पे एक ले लीजिए सफेद रंग की पट्टी, सफेद रंग की पट्टी मतलब समझते हैं, सफेद आप कुछ भी ले लीजिए, सफेद धोती होता है ना, उसको भी यहाँ पे लगा दीजिए। और यहाँ पे ले लीजिए प्रिज्म, और क्या होगा उस पे 7 रंगों में दिखाई देगा लाइट, लाइट 7 रंगों में दिखाई देगा हमारा। और यहाँ पे आप ले लेंगे एक सफेद रंग की पट्टी, तो 7 रंगों में यहाँ पे लाइट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से क्या गया, यहाँ से सफेद ही रंग गया, लेकिन यहाँ पे 7 रंगों में दिखाई देगा। तो बहुत लोग ने अब बताया कि कहीं प्रिज्म के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि 7 रंगों का दिखाई दे, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर कुछ इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे तो नहीं दिखाई देता है 7 रंगों में। तो अब ये क्या किया गया कि इसको उल्टा एक बार कर लिया गया, यहाँ पे अब ये आया
यहाँ से हटा दी पट्टी को, इस प्रिज्म को एक बार ऐसे उल्टा कर दिया गया, और जब ये यहां से रंग गया तो ये श्वेत प्रकाश हो गया, यानी कि व्हाइट लाइट हो गया, यानी कि ये व्हाइट लाइट हो गया। तब इस चीज को फिर मान लिया गया कि हाँ हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सफेद रंग का होता है, और सॉरी ये जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वो सात रंगों से मिलकर बनता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सात रंगों से मिलकर बनता है, यानी कि सफेद रंग सात रंगों से मिलकर बनता है, व्हाइट लाइट जो होता है वो सात रंगों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब इसका यहाँ पे जो मैंने आपको पट्टी बताया था इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ले लेंगे पट्टी। तो ये जो व्हाइट ये हो गया, लाइट हो गया, जब सात रंगों में बढ़ता है ना, तो इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। जब श्वेत प्रकाश अपने सात रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और इस पट्टी पे जब ये आ जाएगा ये सातों रंग, तो इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे, यानी कि वर्णक्रम बोलेंगे। या ये जो सात रंग इस पट्टी पे आ गया है ना, तो इसको अब स्पेक्ट्रम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे हम लोग। इसको याद करने के लिए, अब कि कौन सा कलर नीचे होता है कौन सा कलर ऊपर होता है, इसको याद करने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया विवज्योर, यही है ना, हाँ यही है, देख लीजिए विवज्योर। अब विवज्योर क्या चीज है, तो मैं इसको पहले क्या कर रहा था ना, जब विवज्योर जब इस चीज के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो भी को ऊपर रख रहा था, भी को ऊपर रखेंगे फिर आई भी, तो ऐसे गबरा जा रहा था। ये होता क्या है ना कि इसको नीचे से रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, देखिए देखिए विवज्योर इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले ये नीचे से V4, ये वायलेट होता है, वायलेट कलर, वायलेट मतलब समझते हैं बैंगनी, और ये इंडिगो, और यहां पे हो गया ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो देख लीजिए रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, ये समझ में आ गया। यहाँ पे ये बैंगनी हो गया, ये जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, लाल हो गया, ठीक है। इसको याद करने के लिए विवज्योर है, ऐसे ही आसानी से याद हो जा रहा है, इससे तो याद ही नहीं हो पाएगा। विवज्योर विवज्योर क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है विवज्योर क्या है। तो ये इसी तरीके से मुझे तो आसान लगा था याद करने के लिए, खैर आप इस चीज को देख लेना विवज्योर, इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है, देख लीजिए। यही होता है हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको बोलते हैं। जब व्हाइट लाइट अपने सात रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण जब अपने सात रंगों में विभाजित हो जाती है, तो इसको हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और जिस पर्दे पर ये उतर जाता है सात प्रकाश का, ये श्वेत प्रकाश की किरण जब एक सफेद पर्दे पर, यानी कि सफेद पट्टी पर, जब श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में, अपने सातों रंगों में जब विभक्त होकर हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी सफेद पट्टी पर अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी कि वर्णक्रम बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको।